हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो ऑन पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे क्वेश्चंस किए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आई हैव टॉट यू इन माई प्रीवियस वीडियोस, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर स्टडी कर सकते हैं। तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन करने के पहले एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट है। जो भी प्रॉफिट बचता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, विच इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का, कहाँ कहाँ प्रॉफिट से चीजें कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट होगी वो हम फॉर्मेट में देखते हैं। तो देखिए, फॉर्मेट दिया हुआ है, तो फॉर्मेट में हमें दिख रहा है कि क्रेडिट में प्रॉफिट है। तो क्रेडिट में प्रॉफिट कहां से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जो इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उससे प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं यहां पर। फिर जितनी भी चीजें प्रॉफिट से निकालकर देनी होती है पार्टनर्स को, वो डेबिट में नोट करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये नॉमिनल अकाउंट है और पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, प्रॉफिट अगर एक्सपेंस होगा या लॉस होगा तो डेबिट में। तो देखिए, यहां पर डेबिट में सारे आइटम्स दिए हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व। कुछ बचता है तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल। तो ये तो हो गया हमारा एक रिकैप। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन से। नंबर वन, कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल। उनकी कैपिटल फिक्स्ड है, 5 लाख ईच दोनों की कैपिटल है। कमल इंट्रोड्यूसेस फर्दर कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2017, 1 लाख। कमल जो है 1 लाख और कैपिटल लगा रहा है और 1 लाख जो है कपिल विदड्रॉ कर रहा है उसी दिन 1 अक्टूबर को ही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 6 लाख। पास जर्नल एंट्री एंड एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और जर्नल एंट्रीज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आपको पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। प्रॉफिट को मैंने ट्रांसफर कर लिया 6 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आता है तो मैंने यहाँ नोट करके रख लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं वर्किंग नोट में, फिर यहाँ ट्रांसफर करेंगे, फिर बचे हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैपिटल कितनी है कमल की, 5 लाख। ये 5 लाख कब तक रही, 1 अक्टूबर को चेंज हो रही है तो अप्रैल से सितंबर तक ये 5 लाख रही मेरी, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो 1 लाख और लेकर आ रहा है कपिल, तो वो 6 लाख हो जाएगी। 5 लाख कब तक रही, अप्रैल टू सितंबर, 6 मंथ। 10% का इंटरेस्ट लगा दें 5 लाख पे, 6 मंथ का इंटू 10/100, तो इस पे इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 25,000। तो ये तो हो गया 6 मंथ का इंटरेस्ट, तो बचे हुए 6 मंथ पे भी लगा लेते हैं। अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख और ऐड कर दिया, 6 लाख। 6 लाख पे 6 मंथ का लगा ले, अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ, तो 6 लाख पे इंटू 6/12 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये तो आ गया हमारा 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30,000। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैप, दोनों टाइम पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकल गया, टोटल इंटरेस्ट 55,000। तो कमल का इंटरेस्ट आ गया 55,000। कपिल की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो कपिल की कैपिटल भी स्टार्टिंग में 5 लाख थी और 6 मंथ तक 5 लाख रही, तो 5 लाख पे अभी हमने निकाला 6 मंथ का 25,000, तो पहले 5 लाख का इंटरेस्ट कितना आ गया, 25,000। अब बचे हुए 6 मंथ में कैपिटल कितनी हो गई, उसने 1 लाख विड्रॉ कर लिया, तो 1 लाख विड्रॉ कर लिया तो इसकी कैपिटल 5 लाख में 1 लाख विड्रॉ करेंगे 4 लाख, तो 4 लाख पे 6 मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा 10% टू 10/100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20,000। तो ओवरऑल इंटरेस्ट आ गया 25,000 प्लस 20,000, 45,000। तो यहाँ पर 45,000 नोट कर दिया हमने, ओवरऑल 1 लाख। अब बचा हुआ प्रॉफिट कितना हुआ, 6 लाख माइनस 1 लाख, 5 लाख। 5 लाख को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ध्यान रखिएगा। तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, कमल एंड कपिल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में देख लेते हैं दिया कि नहीं। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दिया है, तो व्हेन डीड इज साइलेंट इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, तो 5 लाख को दो लोग में बराबर बांटेंगे तो
250,000 ईच। फाइव लाख, सिक्स लाख, सिक्स लाख। अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल है, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्रीज देखिए, अभी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखा था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में किस अकाउंट के डेबिट साइड में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट कौन से अकाउंट हुए? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। वो पैसा कहां जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करेंट अकाउंट में जाएगा पार्टनर्स के। तो एंट्री पास कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितना आया था टोटल इंटरेस्ट? 55,000 एंड 45,000, 1 लाख। और क्रेडिट किसको कर दें? दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट को, टू कमल्स करंट अकाउंट। ध्यान रखिएगा फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट, एंड कपिल्स करंट अकाउंट। एक का आया था 55,000 एंड 45,000। तो बहुत सिंपल जर्नल एंट्रीज है, तो इसको आप रटिएगा नहीं। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये पूरा आपको लिखना होगा, करंट अकाउंट। तो ये तो हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज, बहुत इजी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पे दिया है अमित एंड विजय पार्टनर्स हैं, 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 2 लाख और 1,50,000। पार्टनरशिप डीड में उन लोगों ने लिखवाया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। अमित और विजय को सैलरी मिलेगी 2,000 पर मंथ एंड 3,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड, 3:2 रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 बिफोर अबव एप्रोप्रिएशन वॉज 2,60,000। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट आया है वो 2,60,000 है, बिफोर अबव एप्रोप्रिएशन मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी ये सब चीज देने के पहले। और लास्ट में दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दे दिया है 2,20,200 एंड 2,500। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट लिख लेते हैं, विच इज योर 2,60,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लाइन से जितने भी एडजस्टमेंट्स है वो हम डेबिट में करते जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दो पार्टनर्स है अमित एंड विजय। अमित की कैपिटल यहां दी हुई है तो उस पर हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। अमित की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख पे कितना परसेंट? 10%, तो बहुत इजी है 20,000। और दूसरे की कैपिटल है 1,50,000, तो 15,000 हो जाएगा 10%, 35,000। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है अमित को सैलरी देनी है और विजय को सैलरी देनी है, तो फर्म का एक्सपेंस है डेबिट साइड में, टू सैलरी अमित एंड विजय 2,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की सैलरी 2,000 × 12, 2,000 × 12 एंड 3,000 × 12, तो इसका आ जाएगा 24,000 एंड 36,000। फाइनल अमाउंट बाहर दिखा देते हैं 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया है तो वो फर्म की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से लेगी, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अमित विजय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 2,200 एंड 2,500। यहां कोई पर मंथ नहीं है, ओवरऑल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड है, तो फाइनल अमाउंट देख लेते हैं 4,700। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं एडजस्टमेंट करके, तो देख लेते हैं कितना आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैलकुलेट कर लेते हैं,
क्रेडिट साइड में अमाउंट दिया हुआ है 2,60,000 प्लस 4,700, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब डेबिट साइड में 35,000 और 60,000 है, इन दोनों को डिडक्ट कर देते हैं। हमारा प्रॉफिट आएगा 1,25,700, जो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। किस रेशियो में? क्वेश्चन में रेशियो देखिए दिया हुआ है, रेशियो इज 3:2, तो 3:2 में 1,25,700 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1,25,700, तो टू अमित्स अकाउंट एंड विजय अकाउंट। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम, वो यहां करके दिखा दे रहे हैं। तो अमित के अकाउंट में कितना जाएगा? 1,25,700, 3:2 रेशियो है, तो इसका रेशियो है 3 और टोटल 5। इसको मल्टी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अमित का शेयर आएगा 75,420, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया 75,420, तो यहाँ लिख लेते हैं 75,420। इसी तरह विजय का सेम अमाउंट 1,25,700 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 50,280। तो ये अमाउंट यहाँ नोट कर लेते हैं 50,280। फाइनल अमाउंट इज 1,25,700। इन दोनों का टोटल यहाँ पे नोट कर देते हैं, जो आया है हमारा 2,20,700। सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। इसमें जर्नल एंट्रीज नहीं बोला है तो हम नहीं कर रहे हैं। एक तरह ओरली हम आपको बता देगा, जर्नल एंट्रीज करनी होती तो क्या करना होता। सिंपल एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमित एंड विजय कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट हो जाता। इसी तरह सारी एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमित एंड विजय कैपिटल अकाउंट, सब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता जाएगा। दो तरह की एंट्री होती है, दो बार एंट्री करिए या फिर डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो हम आपको डायरेक्ट वाली बता रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, विजय कैपिटल अकाउंट, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दीजिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। तो इसी तरह सारी एंट्री हो जाएंगी, ड्रॉइंग की एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना लिखकर आप लिखिएगा अमित एंड विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट।